नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो गया है आज के शब्दबाण का। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोला। पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आपातकाल लग चुकी है वो संविधान की रक्षा जैसी बात ना करे। वहीं ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर पटेल ने कहा कि कांग्रेस और उससे जुड़े लोग ही सामने आ रहे हैं। अगर कोई गलत ढंग से पैसा कमाता है तो देश को भी उसे जानने का अधिकार है। ये हास्यास्पद बात है कि प्रियंका गांधी जब संविधान की रक्षा की बात करती है, जिनने इस देश में आपातकाल लगाया, जिसने कभी संविधान की चिंता नहीं की, संविधानिक पदों से ऊपर उनके परिवार के लोग बैठते रहे हैं, मैंने संसद में अनेक बार ये उदाहरण दिए हैं, वो संविधान की बात करती हैं। कांग्रेस को यह कहने का कतई अधिकार नहीं है। दूसरी बात मुझे ये भी कहनी है, जब कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है, ईडी के छापों से देश भर में जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों के नेताओं के हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर किसी ने चोरी नहीं की तो उन्हें किसी भी हमारी भारत की एजेंसियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि रोने की बजाय इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाए देश, इसमें उन्हें सहयोग करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा, यदि किसी के पास में गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा नहीं है तो उसको ईडी से क्यों डरना चाहिए? अगर नगद पैसा मिलता है या कुछ संपत्तियां मिलती हैं तो देश को इस बात के लिए जानने का अधिकार है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के लिए पैसे के लेन देन में मनीष सिसोदिया शामिल रहे। खुराना ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले के अंदर शराब घोटाले के जो आरोपी हैं मनीष सिसोदिया, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये बहुत बड़ा फैसला है इस संदर्भ में कि जब कोर्ट ने यह भी कहा है कि पैसे के लेन देन की जो कड़ियां हैं वो साफ हैं, इसका मतलब साफ निकलता है कि कहीं ना कहीं शराब घोटाले के अंदर मनीष सिसोदिया का हाथ साफ नजर आता है, इसीलिए जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल साहब तो कहते थे कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, पहले ट्रायल कोर्ट ने, उसके बाद हाई कोर्ट ने, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत याचिका खारिज कर दी है, उसके बावजूद अब अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे ये तो अरविंद केजरीवाल बताएंगे, लेकिन अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। सिरसा ने दरअसल ये आरोप लगाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के पैसे को लूटने का काम किया है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मनीष सिसोदिया जी की शराब घोटाले में जमानत को रद्द कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि करोड़ों रुपया दिल्ली के लोगों का शराब घोटाले के नाम पर प्राइवेट व्यापारियों को काम देकर लूटने का किया है। पॉलिसी को बदला गया है और पॉलिसी इस तरह से बनाई गई है जिससे उनके मित्रों को लाभ मिल सके। आज ये स्पष्ट हो गया जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं, हमने पैसे नहीं खाए, आज स्पष्ट हो गया कि मनीष सिसोदिया ही नहीं अरविंद केजरीवाल भी सबसे बड़े माठक हैं, बेईमान हैं, लूटने का काम करते हैं, और जो करोड़ों रुपया लूटकर अपने घरों में भरा है उसके कारण आज मनीष सिसोदिया जेल में है। और अरविंद केजरीवाल जी को ना निचली अदालत पे विश्वास था, ना हाई कोर्ट पे था, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोलेंगे, पर बड़ा जन जन तक है अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जेल से तब तक नहीं आएगा बाहर जब तक उसके द्वारा लूटे गए एक एक पैसे का हिसाब ना हो जाए और उसमें उसकी सजा ना हो जाए। देश को और दिल्ली के लोगों को पता चल गया देश का सबसे बड़ा बेईमान लुटेरा कौन है, अरविंद केजरीवाल और उसके साथी मनीष सिसोदिया जैसे लोग। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद बीपी मिश्रा के बेटे की बिना इलाज के मौत का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले में सीएम योगी और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी ने एक भी अस्पताल नहीं बनवाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व सांसद के बेटे के साथ ये घटना घटी है, यह हमारे जितने प्रेस के साथी हैं वो जानते होंगे। समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से हम लोगों ने ये बातें रखी हैं कि डबल इंजन की सरकार में जो भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतरीन हैं,
ये पोल खुलती नजर आ रही है। सोचिए आप, कल्पना करिए कि सांसद होने के बाद उनके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हादसा हो जाना, उनके बेटे को इलाज न मिलना जिसकी वजह से उनकी जान चली जाए, ये ट्रांसफर करके किसी छोटे अधिकारी को सजा दे करके डॉक्टर पे आरोप लगा करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। आखिरकार उन्होंने पर्याप्त बजट क्यों नहीं दिया अस्पताल को? पर्याप्त जो बजट होना चाहिए पीजीआई को क्यों नहीं दिया, या जो आपके अस्पताल हैं उसको क्यों नहीं दिया? इसी प्रेस में मैंने एक बार आपके सामने सवाल किया था और मैंने पढ़ा अखबारों में, बहुत कम अखबारों ने वो बात लिखी थी जो मैंने कही थी कि अगर एक भी जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाओ जिसमें गरीब को इलाज मिल जाए वो अस्पताल हमें बता दे, वो एक भी सरकारी अस्पताल। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने केरल बम ब्लास्ट को लेकर सीएम विजयनन पर आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर का कहना है कि सरकार डरी हुई है, केरल की सरकार की नाक के नीचे बड़ा धमाका हो गया। सीएम पी विजयनन खुद गृह मंत्री हैं और ऐसे में वो राजनीति बंद करके मासूम लोगों की जिंदगी को बचाने का काम करें। राजीव ने आगे कहा, सरकार केरल को टेरर स्टेट बनने ना दे और केरल को सुरक्षित राज्य बनाया जाए। पहले ही केरल में केरल सरकार के नाक के नीचे हमास जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हाल ही में हजारों बच्चों और महिलाओं के हत्या की है उन्होंने किया है, हमास के लीडर को मौका दिया जाता है कि केरल के युवाओं को संबोधित करे और जिहाद और हेट और हेटफुल स्पीच के बारे में उनको संबोधित करने का उनको मौका दिया गया था और सरकार केरल सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण कि उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसमें रोकने का कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो उस प्रोग्राम के 24 घंटे के बाद हमको उस हेट और जिहाद का जो उनका संबोधन था उसका नतीजा हम आज देखने को मिल रहा है कि एकदम जो इनोसेंट विक्टिम्स हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है इसराइल के साथ, इनका कोई ताल्लुक नहीं है जूश कम्युनिटी के साथ और उनको एक तरह से उनके हेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है और आज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कोच्चि में। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो राज्य के होम मिनिस्टर भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, जिनका जिम्मा है लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी, और वो पॉलिटिक्स बंद करें, वो राजनीति बंद करें, अपीजमेंट पॉलिटिक्स बंद करें। उनका जो राजनीतिक दायित्व है, उनका जो संविधानिक दायित्व है लोगों को, लोगों के जीवन को प्रोटेक्ट करने का, उनका काम करें, ना कि दिल्ली में बैठ कर पॉलिटिक्स करें और इसराइल के बारे में अटैक करें। हम उनका एकदम काम यह है कि हर मलयाली और हर केरलवासी को सुरक्षा दे, वो जल्द से जल्द केरल वापस लौटे और फिर ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीति 60-70 साल से केरल में चलते आ रहा है, जो जिससे एक माहौल बना है केरल में कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट सोचते हैं कि वहाँ पे पुलिस कुछ काम नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा और एक तरह से पॉलिटिकल उनको एक कवर मिल गया है, वो बंद हो और केरल को हम एक कोई टेरर स्टेट ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है और उसको आगे बढ़ना न दे और केरल को फिर से एक सुरक्षित सेफ स्टेट बनाए।